और कच्ची शराब को लेकर फिरोजाबाद के थाना सुखाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी छापामार कार्रवाई से जहरीली शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में जहरीली और कच्ची शराब से मौत के मामले में आज फिरोजाबाद के थाना सुखाबाद क्षेत्र पुलिस और आबकारी विभाग में संयुक्त छापामार कार्रवाई की, जिससे जहरीली शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सुखाबाद के ग्यार कॉलोनी इलाके में बड़े पैमाने पर आबकारी विभाग को सूचना मिल रही थी कि थाना सुखाबाद की ग्यार कॉलोनी में पड़े पैमाने पर जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा है। इसी को लेकर आज फिरोजाबाद की थाना सुखाबाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने सुखाबाद आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब माफियाओं के बड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। यहाँ आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में लहन बरामद किया और वहीं कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियों को भी मौके पर ध्वस्त करा दिया, जिसमें लगभग 500 लीटर लहन और 10 लीटर कच्ची शराब पर मौके पर मिली और आबकारी विभाग ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। क्योंकि इधर हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, सतत जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन बाराबंकी मृत घटना हो गई, जिले जोरों पे दबिश है, आज यहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें 500 kg लहन और 10 लीटर शराब बरामद हुई। जो पकड़ जो है उनके विरुद्ध जो है आबकारी अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग कर। सर, ये किस जगह आपने कार्रवाई की है? सर, ये सुखाबाद बिहार कॉलोनी।